नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त तो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में थाना बलदीराय क्षेत्र में वसीम रिजवी के भड़काऊ बयानबाजी से उग्र हुए जिला के उलेमाओं ने मुफ्ती अब्दुल रहमान के नेतृत्व में बलदीराय उप जिलाधिकारी को 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा और मांग रखी की वसीम पर सख्त कार्रवाई की जाए। सुल्तानपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ RRB यूनियन के बैनर तले जिले के सभी बैंकों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं और इसी के चलते बैंक ग्राहकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। अमेठी में थाना शुक्ल बाजार क्षेत्र के भटमऊ के पास एक बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी क्षेत्र के पास लगे जाम को खुलवाने आए ट्रैफिक पुलिस और प्रसाद विक्रेता के बीच मारपीट का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दुकानों के सामने खड़े कराए जाने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई करने का दावा किया है। बहराइच में प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व प्रधान रसीले शुक्ला पर योजना में रुपए वसूलने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने योजना में दिए गए लाभार्थियों के पैसों का गमन किया है। बहराइच में तहसील मैसी ब्लॉक तेजवापुर के ग्राम पंचायत डोकरी में रहने वाले सत्यनारायण लोधी के घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। बहराइच में तमाम बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत अपनी कई मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से आमजन को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ने सरकार से गुहार लगाई है कि बैंकों का निजीकरण रद्द किया जाए, क्योंकि इससे सभी को परेशानी होगी। बहराइच में मटेरा क्षेत्र में दिन ब दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल यहां एक चोर ने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत असवा मोहम्मदपुर में घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल को बड़ी ही आसानी से चुरा कर वहां से फरार हो गया। हालांकि उसकी ये करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बाराबंकी में थाना सफदरगंज क्षेत्र के मोहम्मदाबाद चौराहे पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक संविदा कर्मी बुरी तरह से झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी में रामसनही घाट कोतवाली क्षेत्र के हैदरगढ़ के पास 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से उनमें आग लग गई और आग की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई, जबकि एक ने कूद कर अपनी जान बचा ली। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। अमरोहा में नगर कोतवाली के मोहल्ला कल्याणपुर में शॉर्ट सर्किट के वजह से कॉटन वेस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। अमरोहा में थाना आदमपुर क्षेत्र के गंगा खादर से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध कच्ची शराब का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 80 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। रामपुर में थाना शहजाद नगर क्षेत्र से पुलिस ने शराब माफिया राजेंद्र सक्सेना उर्फ राजू सक्सेना के खिलाफ दर्ज मुकदमों के आधार पर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रामनाथ कॉलोनी जाने वाले रास्ते से पुलिस ने चेकिंग के दौरान टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल ललित उर्फ राजू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक तमंचा समेत एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।